तो आपको सबसे पहले टिकटॉक आईडी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है 15 सेकंड के वीडियो शूट करना है या फिर 60 सेकंड के वीडियो शूट करना है। यदि आपको 60 सेकंड पे करना है तो 60 सेकंड पे क्लिक कर देना है, और 15 सेकंड के वीडियो शूट करना है तो 15 सेकंड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वीडियो कर देना है आपको स्टार्ट। तो आपको यहाँ पे देखना है जितने भी सेकंड का वीडियो शूट करना है, और आराम से बिल्कुल आसानी से वीडियो शूट कर सकते हैं। शूट करने के बाद इसे आपको ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट का, इफेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिल जाता है स्टिकर का, स्टिकर पे क्लिक करना है। और फर्स्ट वाले ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो बैकग्राउंड जो है आपको ब्लर हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो का जो बैकग्राउंड है हमारा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आपको हैशटैग यूज करना है। तो हैशटैग पहले लगा देता हूँ। इसके बाद इस तरह से आपको 3 ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर लेना है, और 3 हैशटैग जो है आपको वीडियो को अकॉर्डिंग यूज कर लेना है। यूज करने के बाद वीडियो को आपको कर देना है पोस्ट। तो इस टिकटॉक एप्लीकेशन से ही वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं।